नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। प्रथम चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। 8 सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। प्रथम चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा। 8 सीटों पर 155 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 38 नामांकन भरे गए हैं। सहारनपुर में 13, कैराना में 17 नामांकन भरे गए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर 23, नगीना सीट पर 12, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर 18 नामांकन भरे गए हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट पर 16 नामांकन दाखिल किए गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि आज से पहले चरण के नामांकन के लिए खत्म हो चुका है, यानी कि पहले चरण का नामांकन आज खत्म हो चुका है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और इन 8 सीटों के लिए प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सहारनपुर में 13, कैराना में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बिजनौर लोकसभा सीट पर 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, प्रथम चरण के लिए नामांकन आज खत्म हो गया है और दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। तो बिजनौर लोकसभा सीट पर 23, नगीना पर 12 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। पीलीभीत सीट पर भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, यानी कि ये जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यानी कि इस रण में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं और 8 तारीख को मतदाता जो है वो अपना मतदान करेंगे और अपने मतदान से प्रत्याशियों की किस्मत जो है उसे खोलेंगे। और इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। 8 सीटों पर यूपी में मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर की सीट, कैराना की सीट, मुजफ्फरनगर की सीट, बिजनौर की, नगीना की, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो 8 सीटें हैं जिन सीटों पर पहले चरण में यूपी में मतदान होगा। और पहले चरण के लिए आज नामांकन खत्म हो गया है और आज नामांकन की जांच होगी और 30 तारीख तक अंतिम समय है जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। और अगर हम बात कर ले केवल रामपुर और मुरादाबाद की, तो ये एक ऐसी सीट है जहां पर सपा का जो पेच है वो काफी ज्यादा फंसा हुआ है। यहाँ पर सपा के ही कई प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि 30 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की, तो सपा का जो कौन सा उम्मीदवार है वो नामांकन वापस लेते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर 18 नामांकन प्रत्याशियों ने भरे हैं। 18 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। प्रथम चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। स्कंदिता, पहले चरण के लिए नामांकन आज खत्म हो गया है और कई प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं। के नामांकन का नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन था और 155 नॉमिनेशन हुए हैं, जिसमें ज्यादातर आपको बता दें पश्चिम यूपी है। पश्चिम यूपी में पहले चरण और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और उसी को लेकर प्रथम चरण के जो नॉमिनेशन था उसका कल अंतिम दिन था, जिसमें आपको बता दें 8 लोकसभा सीटों पर 155 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 38 नामांकन हुए हैं, 38 लोगों ने नामांकन किया है, 38 प्रत्याशियों ने, और उसके बाद टोटल 155 लोग हैं, जिसमें आपको बता दें केराना का है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, इसके अलावा मुरादाबाद और पीलीभीत से सबसे कम पीलीभीत सीट पर जहां पर 16 लोगों ने नामांकन किया है। और कहीं ना कहीं जो है अब लगातार प्रचार में जो है वो दोनों ही तरफ से जुटे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए, विपक्ष की बात कर ली जाए, क्योंकि कल नामांकन पूरे हो चुके हैं। टोटल 155 प्रत्याशी जो है वो नामांकन
नामांकन भरकर मैदान में टक्कर देने के लिए तैयार हैं और अब ऐसे में लगातार प्रचार का दौर शुरू हो चुका है और जो है दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है और दूसरे चरण के नामांकन को लेकर भी तमाम जो इंतजाम थे कलेक्ट्रेट परिसर में वो इंतजाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जो है वो दूसरे चरण के नामांकन जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें आप बता दें दूसरे चरण में भी पश्चिम यूपी की ज्यादातर सीटें रहने वाली हैं, जिसमें से जो है लोग जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द शुरू होने को मिले। कल प्रथम चरण के प्रथम चरण का जो नॉमिनेशन था उसका आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी बिल्कुल बिल्कुल इस कनिता जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि मुजफ्फरनगर से जैसा कि आप भी बता रहे हो और अपने यहाँ दर्शकों को भी हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो मुजफ्फरनगर में कितनी पार्टियों ने नामांकन किया है, निर्दलीय कितने हैं और कितनी अन्य पार्टियों के लोग हैं? बिल्कुल आपको बता दें अर्चना मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा यानी कि 38 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारा है। अगर बसपा की बात कर ली जाए तो वो लगातार एकला चलो की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा जो अन्य छोटी पार्टियां हैं जिसमें से ओबीसी की बात कर ली जाए, पीस पार्टी की बात कर ली जाए, तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं छोटी पार्टियां हैं जिनके बारे में इतना जिक्र नहीं है, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा कई लोग जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए हैं। जी, इसका नेता ये माना जाए कि मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर की सीट पर जो कंपटीशन का वो काफी टफ होगा। देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सीधा कंपटीशन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो संजीव बालियान है और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए क्योंकि जाट बहुल इलाका है तो वहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा आराम था क्योंकि आरएलडी उनके साथ थी, तो कहीं ना कहीं जाट वोट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से आ जाता था, लेकिन जब से जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं तो अब चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ गई थी। हालांकि हरेंद्र मलिक जो है एक बड़े लीडर है, उनकी अच्छी पकड़ है मुजफ्फरनगर में, तो ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की किस तरीके से, हालांकि पहले भी संजीव बालियान वहां से जीते हैं, अब कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और बीजेपी भी लगातार जो है वो प्रचार में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा क्योंकि कांटे की टक्कर होगी, एक तरफ हरेंद्र मलिक दूसरी तरफ जो है वो है ही। बिल्कुल स्कंदिता, मुजफ्फरनगर में तो कांटे की टक्कर है ही, लेकिन बात मुरादाबाद और रामपुर की भी कर ले, जहां पर सपा के ही प्रत्याशी एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नामांकन खत्म हो चुका है, तो क्या लगता है कि जिस तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है, कल भी एसटी हसन ने कह दिया कि मुरादाबाद में वो दूसरे प्रत्याशी के लिए जाकर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन से जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन वापस लेंगे? अर्चना बिल्कुल आपको बता दें रामपुर में लगातार पेच फंसा हुआ था, मुरादाबाद को लेकर अंतिम दिन तक जो है वो चलता रहा कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। पहले समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को मैदान में उतारा, उसके बाद उनका नाम वापस लेकर रुचि वीरा का नाम जो है वो घोषित किया, वो सपा कार्यालय आई, सिंबल लेके गई और उसके बाद फिर कयास लगाए जा रहे थे कि रुचि वीरा का नाम हटा के एसटी हसन को दिया जाएगा, लेकिन शाम तक या अभी पहले मैंने आपको बताया कि अंतिम दिन तक जो है समाजवादी पार्टी फंसी हुई थी इस चीज को लेकर कि आखिर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, और अंतिम में उन्होंने एसटी हसन को जो है उनके नाम पर जो है आखिरी मोहर लगी। और मुरादाबाद की अगर बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अब फैसला जो है वो 19 तारीख को जब मतदान होगा तब उसके बाद मतदान करेंगे और 4 जून को जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत खुली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।